जौनपुर में भाजपा जिला मंत्री की हत्या, दिन दहाड़े प्रमोद कुमार यादव की गई हत्या, धनंजय की पत्नी के खिलाफ लड़ा था चुनाव। जौनपुर से इस वक्त की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर दिन दहाड़े भाजपा जिला मंत्री प्रमोद कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद से इलाके में जहां दहशत का माहौल कायम है, वही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस हत्या के पीछे का मकसद क्या था। क्या यह हत्या किसी दुश्मनी के चलते हुई या फिर कुछ और। बता दें चले कि प्रमोद यादव को अज्ञात बदमाशों ने गुरुवार की सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास उनके घर के बाहरी गोली मार दी। बदमाशों ने उन्हें 3 गोलियां मारी हैं और घटना स्थल से कुछ दूर आगे बाइक छोड़कर फरार हो गए। वहीं प्रमोद कुमार यादव को जिला अस्पताल ले जाते समय ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। मौके पर बदमाशों की बाइक को कब्जे में लेकर के पुलिस जांच में जुट गई है। बताते चले आपको कि प्रमोद कुमार यादव मौजूदा समय में भाजपा संगठन के जिला महामंत्री थे। घटना को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर अफरा तफरी का भी माहौल देखा जा रहा है। भाजपा नेता की हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में भी खलबली मच गई है। पुलिस की टीम आनन फानन मौके पर पहुंची और छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला है। वहीं बताते चले कि बीते दिन धनंजय सिंह अपहरण मामले में 7 साल की उन्हें सजा सुनाई गई थी और धनंजय सिंह की पत्नी के खिलाफ चुनाव भी प्रमोद कुमार यादव ने लड़ा था। 2012 के विधानसभा चुनाव में जौनपुर की मल्हनी सीट से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी जागृति सिंह के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में सपा के पारसनाथ यादव ने जीत हासिल की थी। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब देखना यह होगा कि इस हत्या के पीछे क्या कुछ निकल करके सामने आता है।